अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप जी? ये रेसिपी जो है मेरी अम्मी से मैंने सीखी है, ये उनकी रेसिपी है। हमारी ननिहाल में बहुत शौक से खाते हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी है अपनी अम्मी से और मैं बनाती हूँ। सबसे मेन जो है ना, बेसन के जो पीसेस बनाने हैं उसको हम अल्टे पलटे बोलते हैं। बेसन का जो बैटर बना है ना तवे के ऊपर, उसको हम अल्टे पलटे बोलते हैं। हमारी फैमिली में इसको अल्टे पलटे बोलते हैं। कुछ लोग इसी तरह की बेसन की एक और रेसिपी है जिसको खंडलियाँ बोलते हैं लोग, वो बनती हैं स्टीम में बनाते हैं। ये तो मैंने तवे पे घी लगा के बनाया ना, उनको स्टीम करके बनाते हैं। मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। मेरे बच्चे भी यही शौक से खाते हैं, क्योंकि जब ये एक किस्म का जब ऑयल में जब तवे के ऊपर पकता है ना, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये आम वैसे भी खाते हैं, मेरे बच्चे तो बनाते बनाते आधे माशाल्लाह खा गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर लूँगी इसका नाम है अल्टे पल्टे। ये बेसन की रेसिपी है जो हमारी फैमिली में बड़े शौक से खाते हैं सब। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक पाव बेसन है, आज मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ और वीडियो बनाने में मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है। एक पाव बेसन, नमक उस पर ज़रूरत, सूख मिर्च, पिसा सूखा धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई दरा मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप स्पाइसी थोड़ा खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल दें। पानी में उसमें वाटर भी ऐड होगा तो मैं पहले से बना के रख रही हूँ, क्योंकि ये बेसन फूलेगा पानी डाल के। जब इसको हम बना के रख लेंगे ना, ये बेसन फूल जाएगा। मम्मा इसमें कितना आप वाटर ऐड कर रही हैं? बेटा क्वांटिटी के मुताबिक बस देखेंगे ना, जितना हमें बैटर चाहिए ना उसके मुताबिक। अब इसको मिक्स कर लेते हैं ना। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह शेक कर ले। हल्की गुठलियाँ नज़र आ रही है ना, जब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना तो फिर ये सही हो जाएगा। इसके अंदर और वाटर ऐड होगा। जी फर्स्ट स्टेप है था हमारा ये बेसन बनाने का। ये देखिए ये इस तरह होना चाहिए, ठीक है? इसको तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखना, बना के रखना है। सेकेंड स्टेप है हमारा मसाले का। बड़े बड़े साइज़ की दो बड़ी बड़ी प्याज ली हैं मैंने, ठीक है? ये लो इसमें पकड़ो। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दो बड़े साइज़ की टमाटर, ठीक है? और बाकी कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। नमक, सूरख मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना इसमें। हाँ जी, इस तरह ये देखिए प्याज इस तरह हो गया, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना। लहसुन को ब्राउन करना है। लहसुन अदरक जैसे ही ब्राउन हो गया मैंने इसे पानी डाल दिया, ठीक है? इसको मसाले को अच्छी तरह भूनना है कि प्याज नहीं नजर आना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले जो हमने वो बैटर बनाया है बेसन का उसमें भी मसाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा नमक कम ही रखना है, क्योंकि उसमें से मसाला है, इसमें नमक आएगा तो ये ना हो इसमें ग्रेवी में नमक तेज़ हो जाए। इसको मसाले को सुनकर हमें शोरबा तैयार करना है, इसका शोरबा तैयार करेंगे। मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ये देखिए मसाला हमने भून रहे हैं। सारे मसाले मैंने दिखाए थे वो मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं।
अब इसको ये जो प्याज नज़र आ रहा है ना इसको अच्छी तरह पीसना है कि हमें इस शोरबे में नज़र ना आए। मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। जैसे प्याज अच्छी तरह मैश हो जाए हम इसमें पानी डाल देंगे और एक साइड पर रख देंगे पकने के लिए, शोरबा तैयार हो जाएगा। जी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं प्याज को इस तरह क्यों मैश कर रही हूँ, ग्राइंड क्यों नहीं किया। प्याज को ग्राइंड करने से शोरबे का अलग टेस्ट आता है। इस तरह अगर हम ब्राउन करके बनाते हैं और इसको मैश करते हैं इसका अलग टेस्ट आता है, इसलिए इसको मैं अच्छी तरह मैश कर रही हूँ और फिर मैं इसे शोरबा तैयार कर रही हूँ। काफ़ी हद तक मैश हो गया प्याज, मैं इसे पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तोता मैंने काफ़ी बनानी है। शोरबा शोरबा शौक से खाते हैं जी। अब हमने ये शोरबा तैयार करने के लिए साइड पे रख दिया मैंने। तवा गर्म करने के लिए ये देखें, अब ये थिक हो गया, इसको मैंने भिगोया था ना। इसमें आँच ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ना ज़्यादा स्लो। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगे और ज़्यादा स्लो रखेंगे तो फिर ये कच्चा रह जाएंगे। बेसन के तकरीबन ये 5 से 8 पीस बनते हैं, मेरे बच्चों ने भी खाए हैं तो ये बच्चे हैं। अब ये इस तरह मैं इनके पीसेस बना रही हूँ, इस तरह इनको इस तरह बनाना है। बना के इसको 10 से 15 मिनट रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होगा फिर ये अच्छे से पीस बनेंगे। इस तरह इस शेप के पीसेस बनाने हैं। पीस बनाया है, अब ये शोरबे में डाल रही हूँ। 2 से 3 बॉयल आएंगे तो बाद स्लो कर देंगे। फाइनल लुक देखें, ये बेसन जो के ये जो हमने कटलियाँ सी बनाई थी ये फूल गई हैं, ठीक है। अब लास्ट में गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी। अब हरा धनिया डालना था वो मेरे पास है नहीं, ठीक है। ये देखें बिस्मिल्लाह जी, ये है मेरी अल्टे पलटे की रेसिपी। आप ट्राई करना आयशा, इंशाल्लाह देखना आपको ज़रूर मज़ा आएगा।